20 by 40, 20 feet 0 inch and 14 feet 14 feet house plan design. So 14 into 20, 280 square feet आपका डुप्लेक्स हाउस प्लान डिज़ाइन, डुप्लेक्स जी प्लस वन। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लोर हाउस डिज़ाइन, और यहाँ पर जो है नीचे में ग्राउंड फ्लोर, ओके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। तो इसका जो यहाँ पर देखिए डोर ऐसे डी, और इधर घर के साथ अटैच एक रूम इधर ऐसे रहेगा डी वन, ओके। उसके बाद ऐसे यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो है क्लोजेबल गेट आप यूज़ कीजिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। जहाँ पर रहेगा यहाँ पर इसका गेट, ओके। तो गेट प्रोवाइड करने के बाद जो स्टेयर पार्ट इधर से आप नेक्स्ट इधर आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक ऐसे रूम, यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर एक रूम, इसका भी इधर एक डोर और इधर एक डोर आपको यहाँ पर टू फोल्ड डोर यहाँ पर दिखने को आपको मिल जाएगा, जहाँ पर एक डोर रहेगा, ओके यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसका भी स्टार्ट इधर से रूप जाने का अप और इधर डाउन, ओके इधर से डाउन। तो हम इसका थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे प्लान के अंदर, तो यहाँ पर इसका ऐसे कलर रहेगा जो 5 इंच वॉल 125 mm वॉल, और यहाँ पर आपको विंडो और बैक साइड में विंडो और वेंटिलेटर यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसका फ्रंट साइड में हम ऐसे विंडो क्रिएट करेंगे और इंटरनल पार्टीशन वॉल यहाँ पर रहेगा। स्मॉल हाउस प्लान डिज़ाइन, और इस प्लान डिज़ाइन के अंदर हम सिंपल डिज़ाइन बनाया है, तो इसके अंदर आपको अगर कुछ इंटरनल और आउटर पार्ट में चेंज करके बिल्डिंग को मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल और आउटर पार्टीशन वॉल 5 इंच वॉल यहाँ पर ऐड करके बिल्डिंग प्लान बनाया है। अगर आपको इसके अंदर भी कुछ ऐड और रिमूव करना है तो करके आप घर बना सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर हमने पहले कर दिया है। उसके बाद इसका जो विंडो है यहाँ पर हम ऐसे विंडो पोजीशन हम ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम विंडो पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है, इधर भी। तो इधर जब आएगा तो ऐसे हम यहाँ पर वेंटिलेटर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर विंडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लैंडिंग एरिया, लैंडिंग, यहाँ पर लॉबी, यहाँ पर वॉश एरिया या स्टोर एरिया भी आप यहाँ पर एक छोटा सा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर छोटा सा एक डोर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथ, यहाँ पर बेडरूम, ओके। तो ऐसे ऊपर में हम यहाँ पर विंडो ऐसे क्रिएट करेंगे फ्रंट साइड में। तो यहाँ पर ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया, यहाँ पर विंडो, ओके यहाँ पर विंडो, यहाँ पर किचन एरिया, उसके बाद यहाँ पर
टॉयलेट, वेंटिलेटर, विंडो, यहाँ पर लैंडिंग, ओके लैंडिंग, यहाँ पर लॉबी। तो ऐसे करके सिंपल डिज़ाइन के साथ हमने प्लेन प्लान बनाया है। आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको अगर लगता है इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो हम देखिए, आप अगर चाहते तो इधर से लेकर इधर तक आप एक रूम बना के, ठीक है, यहाँ पर किचन ऐड कर सकते हैं फॉन्ट में, ठीक है, यहाँ पर रूम करके, तो भी एक ऑप्शन है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें जो जगह मिलेगा, यहाँ पर 13 फीट 2 इंच, ओके, साइड यहाँ पर जो है 14 फीट 0 इंच, यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे आएगा, ओके, यहाँ पर 20 फीट 0 इंच, तो इधर ऐसे आएगा, ओके। नेक्स्ट इसका टोटल स्क्वायर फीट भी हम यहाँ पर ऐड करके रखा है। तो जगह वाइज यहाँ पर आपको 9 फीट 0 इंच वाइड और यहाँ पर 3 फीट 6 इंच एंड यहाँ पर 6 फीट और यहाँ पर तो 3 फीट 6, बाकी जगह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाइड 3 फीट 6 इंच, यहाँ पर 5 फीट 10 इंच, थोड़ा सा आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इधर जगह कम है, इसलिए यहाँ पर इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि ये कितना आएगा, 2 फीट, ओके, यहाँ पर 2 इंच कम है, 2 फीट 11 इंच, इधर सॉरी 10 इंच, यहाँ पर 2 फीट 10 इंच, ऐसा आएगा, तो ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर आपको 3 फीट 6 इंच जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट ऊपर में जाएंगे तो इधर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमें 7 फीट 6 इंच, ओके, और यहाँ पर हमें 12 फीट 11 इंच का गैप मिल जाएगा, ठीक है। किचन एरिया यहाँ पर जो आएगा 5 फीट 3 इंच और इधर हमें 9 फीट 0 इंच किचन, यहाँ पर टॉयलेट 3 फीट 6 इंच, ओके, और यहाँ पर हमें 5 फीट 3 इंच मिल जाएगा। तो बाकी जो पार्ट है यहाँ पर, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में ऐड किया था 5 फीट 10 इंच, यहाँ पर 3 फीट, जैसे हमने यहाँ पर किया था 6 फीट 8 इंच ऐसे, और यहाँ पर 3 फीट 6 इंच गैप। नेक्स्ट हम इसका अगर कॉलम ऐड करेंगे तो थोड़ा सा कॉलम भी यहाँ पर हम ऐड करके दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, तो आपको इधर इधर और इधर ऐसे कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे 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 इधर ऐसा ऐसा करके आप कॉलम प्रोवाइड करके घर बना सकते हैं अगर आपको लगता है। तो आप सेंटर में एक कॉलम ऐड कर सकते हैं अगर आपको सेंटर में कॉलम ऐड करना है, क्योंकि सीजी में आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसका आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल और इनसाइड में जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, इधर भी 5 इंच वॉल। अच्छा, यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पर आपको 10x12 इंच का कॉलम प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो यही था प्लान और डिज़ाइन। और इसका जो कॉस्ट आएगा, एक एक फ्लोर का कॉस्ट 20, तो कॉस्टिंग यहाँ पर आएगा टोटल 8 लाख रुपीस 2 फ्लोर में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।